कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी। तो चलिए जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 तक, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, फंक्शन x इज इक्वल टू 2x इफ x लेस देन 0, 0 इफ 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1, 4x इफ x इज ग्रेटर देन 1। ये कंडीशन आप समझ गए, इसी में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, इसका सॉल्यूशन की बात करें तो कहने का मतलब है फर्स्ट कंडीशन ये हमारे पास गिवन है, x इज लेस देन 0 होगा तो फंक्शन कौन लेंगे 2x लेंगे, यहां पे 0 लेस देन इक्वल x होगा तो 0 लेंगे, x इज लेस देन इक्वल 1 होगा तब भी 0 लेंगे, अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ तो क्या लेंगे 4x लेंगे। तो देखिए यही सब सॉल्व करते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू 0 पे पहले सॉल्व करते हैं, तो एट x इज इक्वल टू 0 पे सॉल्व करते हैं, तो 0 पे सॉल्व करेंगे तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग क्या करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट में कैसा नंबर लेते हैं माइनस, और यहां पे क्या हो जाएगा फंक्शन x, क्लियर है। यहां पे जब फंक्शन कैसा हमारे पास x लेस x इज x टेंड्स टू 0 माइनस का है, तो मतलब x लेस देन इक्वल 0, तो देखिए यहां पे लेस देन है तो क्या लेंगे यहां पे छोटा है हमारे पास वैल्यू, तो यहां पे 2x लेंगे फंक्शन में, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का लेस देन है तो फंक्शन कितना ले लेंगे 2x। बात समझ में आई, हमने आपको बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कंडीशन होती है अगर x इज इक्वल टू 0 माइनस का है तो यहां पे क्या कराते हैं माइनस का h करा देंगे, तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0, यहां पे h इज इक्वल टू कितना निकल रहा है 0, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0। बात समझ में आई, तो यहां पे रखिए तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां पे 2, x इज इक्वल टू कितना रखेंगे 0 माइनस का h। बात समझ भाई, अब यहां पे लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो जहां पे आपको 0 दिख रहा है h दिख रहा है वहां पे क्या रखेंगे 0, तो यहां पे 2 0 माइनस 0, तो 2 इंटू 0 हमारे पास कितना आ जाएगा 0। ये कौन सी लिमिट निकल के आई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आई। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट हम लोग लेंगे यहां पे तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना ले रहा है 0 पे ही लेंगे, तो x इज इक्वल टू 0 पे ही अगर राइट हैंड लिमिट हम लोग ले लें x इज इक्वल टू 1 पे, कितना हमारे पास x इज इक्वल टू 0 था लेफ्ट हैंड लिमिट और x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट बोल रहे हैं, सही लगा रहे थे तो क्या दिक्कत है, आरएचएल से फिर से स्टार्ट करो, आरएचएल से स्टार्ट करो मर्ज करके तब क्या टेंशन है, हाँ है ना मर्ज करा दो ना कर चल रहा है ना रिकॉर्ड कर ना, ठीक है चैप्टर तो आपको देने के लिए रहे नहीं बजे रहे हो ही रहते हैं यार पढ़ा चलो स्टार्ट करो, मैं कल दिक्कत है मैं स्टार्ट करें, आगे चल लिमिट से बताओ। चलिए देखते हैं हम लोग अब राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट पे भी हम लोग क्या करेंगे x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पे राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालेंगे तो यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 कैसा लेंगे प्लस का लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस, यहां पे कितना हो जाएगा फंक्शन x। अब फंक्शन x देखिए 0 कैसा है प्लस का, मतलब 0 लेस देन x, तो यहां पे 0 कैसा है प्लस का, तो यहां पे फंक्शन क्या लेंगे फंक्शन x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 बड़ा है तो फंक्शन कितना लेंगे यहां पे 0, अब यहां पे 0 है तो लिमिट कितनी निकल के आएगी 0 ही आएगा यहां पे। बात समझ में आई, ये कौन सी निकल के आई लिमिट राइट हैंड, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 पर, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस, तो फंक्शन हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, फंक्शन कैसा हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब बात करते हैं x इज इक्वल टू 1 पे, अब x इज इक्वल टू 1 पे अगर हम बात करें तो देखिए यहां पे x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 जैसा कि हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ये किसके लिए लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कैसा लेंगे x टेंड्स टू माइनस,
फंक्शन x, अब ये देखिए x less than x tends to 1 minus, तो यहाँ पे देखिए less than है, x less than equal 1, या x बराबर 1 है या x less than 1 है, तो मतलब तब भी फंक्शन क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे limit x tends to 1 minus फंक्शन कितना लेंगे, 0, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 0, बात समझ में आई, क्लियर है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आई, और इसके लिए राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 1 पे ले, तो यहां पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस का, राइट हैंड लिमिट के लिए कैसा लेते हैं, प्लस का, और यहां पे क्या हो जाएगा, फंक्शन x, अब यहां देखिए 1 प्लस का मतलब x इज ग्रेटर देन 1, अब x का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो यहां पे फंक्शन कितना लेंगे, 4x, तो ये हो जाएगा लिमिट x tends to 1 कैसा है, प्लस का है, तो यहां पे कितना ले लेंगे, 4x, बात समझ में आई यहां पे, अब यहां पे सेम कंडीशन हम लोग करते हैं, चेंज कर लेते हैं, x is equal to कितना हमारे पास, 1 पे चेंज कर, चेक कर रहे हैं, तो x is equal to 1 पे करोगे, तो यहां पे कैसा है, राइट हैंड लिमिट के लिए, तो 1 प्लस का x, राइट हैंड लिमिट में प्लस x कराते हैं, x is equal to 1 रखे यहां पे, तो यहां पे 1 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 0, तो h is equal to 0, या इसको हम लोग h tends to 0 भी लिख सकते हैं, तो यहां पे देखिए x tends to 1 plus, कैसा चेंज हमने किया, limit h tends to 0 के फॉर्म में, 4x, तो 4x की जगह पे कितना हमने रखा, 1 plus h, मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा limit h tends to 0, यहां पे हो जाएगा 4 plus कितना हो जाएगा, 4h, अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन क्या h की जगह पे क्या रखेंगे, 0, तो यहां पे जब 0 रखेंगे, देखिए इधर ध्यान से, ये हम आपको उतार देने जा रहे हैं, कितना रखेंगे हम लोग, 0, बात समझ में आई, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 रखेंगे यहां पे, तो ये हो जाएगा लिमिट, तो अप्लाई कर देंगे, जब लिमिट अप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, h की जगह पे 0, तो यहां पे 4 प्लस 4 * 0, तो ये कितना हमारे पास निकल के आएगा, 4, ये कौन सी लिमिट निकल के आएगी, राइट हैंड लिमिट निकल के आएगी, क्लियर है, तो देखिए हम कह सकते हैं x इज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देखिए यहां पे कितना निकला, यहां पे कितना निकला था, 0, और यहां पे कितना निकला था, 0, तो यहां पे जब 0 निकला तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, सॉरी ये फंक्शन हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, तो यहां फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि 0 यहां पे निकला, 0 यहां पे, फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, लिखने में मिस्टेक हो गया, अब यहां पे देखिए कितना निकला, यहां पे निकला 0 लेफ्ट हैंड लिमिट में, और यहां पे कितना, 4 निकला, तो 0 नॉट इक्वल टू 4, तो यहां पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस किस पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे, 1 पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, देखिए लेफ्ट हैंड में 0 राइट हैंड में 0 फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, यहां पे लेफ्ट हैंड 0 राइट हैंड 4 तो नॉट इक्वल है, तो यहां पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस, क्लियर है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को।